4 जून को रांची लोकसभा सीट के प्रत्याशियों का किस्मत का जो फैसला है वो रांची के पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम में खुलने वाला है। और ऐसे में हम इस वक्त पंडरा के स्ट्रांग रूम में हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम तैयारियाँ जो है वो की जा रही है, पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर 3 लेयर में सिक्योरिटी की तैनाती की गई है। अगर बात करें पहले लेयर की तो रांची जिला पुलिस बल के जवान रहेंगे, दूसरे लेयर में भी रांची जिला पुलिस बल के जवान की तैनाती की गई है, वहीं तीसरे लेयर में BSF के जवान जो है वो तैनात रहेंगे। तो कह सकते हैं कि स्ट्रांग रूम में सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन में किस तरीके से तमाम जो जवान हैं वो अभी यहां पर हैं और शिफ्ट वाइज तमाम जवानों की ड्यूटी जो है वो लगाई जा रही है। लगभग अगर बात करें रांची जिला पुलिस बल के जवान की तो 300 से ज़्यादा जवानों की तैनाती जो है वो की गई है। देखिए किस तरीके से यहां पर बकायदा जवान जो है वो चेकिंग कर रहे हैं और उसके बाद स्ट्रांग रूम के अंदर जाने की अनुमति जो है वो दी जाती है। तमाम चेकिंग के बाद जो है जो लोग हैं जो यहां पर आ रहे हैं उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं अगर पूरे स्ट्रांग रूम की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि 4 जून को जो प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला यहां से होने वाला है, यहां पर तमाम EVM मशीन जो हैं वो सील कर दिए गए हैं, स्ट्रांग रूम को पूरी तरीके से अभी बंद किया गया है। तो कह सकते हैं कि 4 जून को स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा और यहाँ पर EVM मशीन से तमाम जो बूथों पर वोट पड़े थे उसकी गिनती की जाएगी। उसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का फैसला जो है इसी स्ट्रांग रूम से होगा। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के कप्तान जो हैं, रांची पुलिस के कप्तान SSP चंदन कुमार सिन्हा द्वारा जो है मॉनिटरिंग की जाएगी, साथ ही साथ CT SP राजकुमार मेहता भी 4 जून को यहाँ पर मौजूद रहेंगे और दिशा निर्देश तमाम जवानों को देंगे। देखने वाली बात होगी कि 4 जून को कितनी भीड़ होती है, लोग किस तरीके से यहाँ पर आते हैं और जो भी चुनाव में जीत हासिल करता है वहां पर उसकी क्या व्यवस्था की जाती है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से स्ट्रांग रूम की अगर बात करें तो स्ट्रांग रूम में अभी फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और 4 जून को भी तमाम पुलिस बल के जवान जो हैं वो तैनात रहेंगे। सर्गी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस रांची।